दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी। देश के प्रधानमंत्री नंबर एक के झूठा, दो नंबर के झूठा योगी आदित्यनाथ जी। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचे या खरीदे, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर। पंचायत चुनाव को लेकर दौरा कर रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा में कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर अपने संगठन के कार्यकर्ताओं व बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव को लेकर संगठित होने व मजबूती के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए अपने संबोधन में प्रदेश के योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ता समीक्षा बैठक, हम उत्तर प्रदेश में 300 विधानसभाओं में बूथ स्तर तक संगठन का काम कर रहे हैं, तो जो संगठन में पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं उनको एक जगह जुटा करके उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये हम आपको संगठन में क्यों जोड़ रहे हैं, उनको विचारों से लैस करते हैं। उसी उद्देश्य से यहाँ ये बैठक हुई है। मंत्री जी, आज देखा जाए अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के, तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? जी, जिस प्रदेश में पत्रकार मारा जा रहा हो, जिस प्रदेश में सुरक्षा करने वाले लोग मारे जा रहे हों, जिस प्रदेश में खुलेआम एसपी जिस सरकार में गुंडा टैक्स मांग रहा हो, 6 लाख रुपया महीना अगर वो नहीं दे रहा तो उसको गोली मारी जा रही हो, उस प्रदेश के हालात अभी आप लोगों ने ही दिखाया। हाथरस मामला पूरे दुनिया में थू-थू हुआ है भारत की, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेट चला रहा है, मुख्यमंत्री काठ की पुतली हो गए हैं। जैसे ब्यूरोक्रेट उनको नचा रहा उसी तरह वो नाच रहे हैं। यहाँ अपहरण कुटीर उद्योग बन गया है और लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ योगी जी की जबान पर और ब्यूरोक्रेट के हाथ में है और धरातल पे कुछ नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। जैसा कि अगर कहा जाए कि यूपी सरकार ने जो 6 महीने के अंदर बेरोजगारों को रोजगार देने का दावा किया है, क्या लग रहा है सर? दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी। देश के प्रधानमंत्री नंबर एक के झूठा, दो नंबर के झूठा योगी आदित्यनाथ जी। अभी 2.5 महीना तो नहीं हुआ, 2 महीना पहले इन्होंने 1.25 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में देने की घोषणा किया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराया। ये कौन सा रोजगार दिया? एक भी भर्ती चपरासी की भी नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। 1.25 करोड़ आपने दिया किसको? जो मनरेगा में कल तक जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो मनरेगा का विरोध करती थी, आज उसी मनरेगा को रोजगार जोड़ करके आप 1.25 करोड़ बता रहे हो। जो काम, जो दुकान बंद थी, चाय की, मीठे की, कपड़े की, रेडीमेड की, मेडिकल की जो दुकानें बंद थी वो दुकान खुल गई, उसी को जोड़ करके आप बता रहे हो कि हमने रोजगार दे दिया। ये 100% बीजेपी ने कहा था कि हम सरकार बनेगी, 2013 में बोला था सरकार बनेगी तो हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। नोटबंदी करके मोदी जी का बयान आया कि 3 लाख कंपनी बंद कर दिया, जीएसटी ले आए, एक देश एक टैक्स, लेकिन पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं होगी चूंकि वो अडानी अंबानी का है, इस नाते उस पर जीएसटी नहीं। जीएसटी लाया निर्मला सीतारमन जी ने, लोकसभा में बयान दिया, प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 6 लाख कंपनी जीएसटी आने के बाद बंद हो गई। तो ये कंपनियों में काम कौन करता? किसी नेता का बेटा नहीं करता, ये गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक लोग करते हैं। तो इनकी 14 करोड़ नौकरी चली गई, एक दो नहीं, 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। ये महंगाई कम करने के लिए आए, 45 रुपये आलू बिक रहा है, 50 रुपया प्याज बिक रही है, यही महंगाई कम हो रही है। जो 340 रुपये में गैस सिलेंडर 2014 के पहले था आज 700 के लगभग हो गया, ये महंगाई कम कहाँ कर रहे हैं? ये 100% फेलियर हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये देश को बेच रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम देश बिकने नहीं देंगे, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, ये आपके BSNL बेच दिया, 28 विभाग तो बेच दिया। अब नंबर आ गया है सरकारी स्कूल बेचने का, सरकारी अस्पताल बेचने का, ये राष्ट्रीय राजमार्ग बेचने जा रहे हैं, तो ये देश की संपत्ति बेच रहे हैं। हमको कहते हैं कि राष्ट्रभक्त बनो, और राष्ट्र की संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति राष्ट्रद्रोही हो सकता है और राष्ट्रप्रेमी नहीं हो सकता है।
जैसा कि हाथरस जैसी घटनाओं को देखने के जो ये समय मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हाथरस की घटना में शुद्ध रूप से बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी सरकार अपराधियों को बचाने के लिए पूरी अड़ी चोटी लगा रही है अपराधियों को। जब बेटी 14 तारीख को उसके साथ रेप होता है, उसको जिले में हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, हॉस्पिटलाइज करते हो आप, हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हो और उसको झांकने तक नहीं गए। जब बेटी मरने की कगार पर आई कि आज मर जाएगी, तब आप ले जाते हो एम्स में और ड्रामा करते हो। रोज़ एक सगुफा ही छोड़ रहे हैं ये बीजेपी के लोग, एक सगुफा छोड़ रहे हैं, ये बचेंगे नहीं। दुनिया एक तरफ हो और ये जो अपराधी हैं इनको सजा मिलेगी। वहाँ के जांच टीम का ये भी कहना है कि उसके साथ ऐसी रेप जैसी घटनाएं कोई हुई नहीं, ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, संविधान में व्यवस्था है, आर्टिकल 375 व्यवस्था है, अगर लड़की के साथ छेड़छाड़ भी हुई तो रेप की घटना मानी जाएगी। अभी हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लड़की को कहीं भी चोट अगर है उसके साथ खिलवाड़ करने की, तो उसके खिलाफ 376 का मुकदमा होगा। ये कहा बतियाएंगे, ये सब झूठे बता दे रहा हूँ ना, बीजेपी ये झूठ पार्टी है, ये सब झूठ बोल रही है, ये अपने बचाने के लिए, ये अपराधियों को बचाने के लिए। आपने देखा ना, समाजवादी पार्टी के लोग गए लाठीचार्ज हुआ, उन लोग दल के लोग गए लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद संजय सिंह गए आम आदमी पार्टी, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, उनके साथ बदतमीजी हुई, पत्रकारों के साथ बदतमीजी हुई। अगर रेप नहीं हुआ तो तूने ही पत्रकारों को क्यों रोका, कौन रोक रहा था? तुम इनके साथ लाठीचार्ज क्यों कर रहे थे? तुम वहाँ साक्ष्य मिटाने में लगे हुए हो, शुद्ध रूप से ये अपराधियों को बचाने में लगे हैं। एक निर्भया कांड होता है, उसको विदेश में इलाज होता है, एक दलित की बेटी होती होने के नाते उसका इलाज आप जिले हॉस्पिटल में करा रहे हो, बात करते हो कि नहीं हुआ है? जो ऐसा कहता है, जिस दिन उसके परिवार में यह घटना होगी तब वो कहेगा कि नहीं हुआ है।